अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे केले के कोफ्ते। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 केले, 1 बड़ा आलू। इन्हें मैंने 3 सीटी लगाकर कुकर में उबाल लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून भुने हुए चने जिनका मैंने पाउडर बना लिया है, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे टमाटर टुकड़ों में कटे हुए, 1 छोटी प्याज टुकड़ों में कटी हुई, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, 3 टेबलस्पून क्रीम। मैंने यहाँ दूध के ऊपर से बलाई उतार कर उसे छान लिया है। तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ये सारी चीज़ें मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए ली हैं। और कोफ्ते तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप किया हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी प्याज बारीक चॉप की हुई, आधा टीस्पून गरम मसाला। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 से 5 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सूखा पुदीना क्रश किया हुआ। सबसे पहले मिक्सी के जार में ये सारे मसाले डालेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे गरम मसाला। इसे चलाएंगे, गैस हल्का कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें डालेंगे मसालों का और प्याज टमाटर का बना हुआ पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब इसको ढककर हल्की आग पर पकने देंगे। इसे भुनने तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चला देंगे। जब तक ये पक रहा है हम कोफ्ते तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले केलों को छील लेंगे। ये बहुत आसानी से छिल जाते हैं। और इसी तरह आलूओं को भी छील लेंगे। ये बड़ा आलू था इसलिए मैंने इसे 2 टुकड़े करके बॉईल किया है। अब हम इसे एक बार चला लेंगे और इसे फिर से ढक देंगे। अब एक प्याली की मदद से केलों को और आलूओं को मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक, पुदीना, गरम मसाला, नमक, बेसन और कॉर्नफ्लावर। अब इन सबको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब हम ग्रेवी को चेक करेंगे। अब गैस को मीडियम करेंगे और इसको अच्छे तरह से भून लेंगे। ये भुन गया है। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। अब इसमें उबाल आने तक तेज गैस पर पकाएंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए गैस हल्का करके छोड़ देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। अब हम कोफ्ते तैयार करेंगे। उसके लिए हाथ पर हल्का सा तेल लगाएंगे और इसके गोले तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इसकी बॉल बना लेंगे।
ये देखिए कोफ्ता तैयार है, इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। कोफ्ते तैयार हैं, अब इनको सेक लेंगे। मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया है, अब कोफ्तों को इसमें डाल देंगे। इन्हें हल्के हाथों से चलाते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए इनका कलर बदलने लगा है, इसी तरह से ये पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। बस ध्यान रखिए इन्हें धीरे धीरे हल्के हाथ से चलाते रहें, नहीं तो एक तरफ से जल जाएंगे। इन्हें एक बार में ना सेकें, थोड़े थोड़े करके सेकें ताकि ये आसानी से सिक जाएं। ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल देंगे। इसी तरह से मैं बाकियों को भी फ्राई कर लूंगी। अब ग्रेवी के नीचे गैस ऑन करेंगे और इन कोफ्तों को ग्रेवी में डाल देंगे। इन्हें हल्के हाथ से चलाएंगे, अब इसे एक मिनट के लिए तेज गैस पर पकाएंगे ढककर। एक मिनट हो गया है, अब गैस हल्का कर देंगे और इसे दो मिनट के लिए पकने देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। दो मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर दिया है, अब ढक्कन खोलेंगे। अब इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, इसे हल्के हाथों से चला लेंगे। और अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। केले के कोफ्ते तैयार हैं, इन्हें क्रीम और धनिए से गार्निश करें और गरम गरम रोटी पराठे के साथ सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।